नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के शामगढ़ में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक दूध की गाड़ी ने बाइक सवार को कुचल दिया। बलविंदर नाम का जो युवक है कमल डेयरी में सर्विस करता था और वहीं जब वह बाइक पर बैठकर शामगढ़ के पास जीटी रोड पर जा रहे थे तो अचानक रॉन्ग साइड से दूध की डेयरी आ गई है और वहाँ जो दूध की गाड़ी है उसने उसको मार दिया। वहीं जो बाइक सवार एक और लड़का है वो भी घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में इनको दोनों को हॉस्पिटल लाया गया था जहां पर बलविंदर ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कमल डेयरी में वहां पर दूध की गाड़ी ये लोड होकर आ रही थी और दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार जो दो युवक थे उनमें दोनों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया जहाँ पर बलविंदर ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लाई गई और आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारे साथ परिजन हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, एक सूचना क्या मिली थी आज बलविंदर के बारे में? हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि भाई श्यामगढ़ के पास एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक बाइक सवार एक दूध की गाड़ी के नीचे आ गया और कार्रवाई के लिए पहुंचे। जो मौके पर गए तो ये अपना जो इंजर्ड थे वो हॉस्पिटल में आ गए थे और गाड़ी चालक फरार हो गया था। इसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया आरोपियों के खिलाफ और गाड़ियाँ कब्जे में ले ली है और जो कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। तो जो गाड़ी चालक है वो फरार हो गया? गाड़ी चालक फरार हो रहा था। तो ये कहाँ का रहने वाले हैं जो बलविंदर? ये बलविंदर गांधी नगर करनाल थाना रामनगर। वहाँ कैसे गया था? ये इसे मॉडर्न डेयरी में ही काम करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं? मॉडर्न डेयरी में ही काम करते हैं और ये पेट्रोल पंप से तेल डलवा के अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो अचानक दूध की गाड़ी ने टक्कर मारा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? बस जो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया एक्सीडेंट करने का। जो पुलिस अधिकारी का कहना है कि बलविंदर को जिस वाहन ने टक्कर मारी है उस वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो वाहन है दूध का उसको अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे साथ और भी बलविंदर के परिजनों से जानते हैं कि मामला क्या है, कैसे हर रोज जाते थे या क्या मामला हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं लड़के। कहाँ पर? मिल्क प्लांट है मोटन। अच्छा, हाँ। तो क्या सूचना मिली? तो हमें तो बस बाद में पता लगा जब हम हॉस्पिटल आए। अच्छा, तो डेथ किसकी हुई है? बलविंदर की हुई है। और दूसरा घायल का क्या नाम है? उसका नाम है मोनू। मोनू घायल है, वो कहाँ पर भर्ती? वो अभी एडमिट है मेरे ख्याल अरविंद में है ना? अरविंद में? हाँ, अरविंद में है वो। ठीक है जी, क्या क्या पता लगा? क्या वो करे लड़का? ठीक है जी, वो जो घायल है। हाँ जी, इसी बलविंदर की मौत हो? हाँ, बलविंदर की मौत। परिवार, इसका शादी वगैरह परिवार में कुछ नहीं है जी, गरीब आदमी सिंपल से बंदे हैं जी। इनका कोई आगे पीछे मतलब माँ बाप, माँ माँ बाप नहीं है जी, बाप नहीं है जी, माँ है जी खाली। भाई है, खर्चा पानी कैसे अब चलेगा? बस अभी बच्चे जवान हुए थे जी, अभी चाचे की डेथ हो गई थी तो वो अभी कमाने के लिए जो हुए थे ये कमा रहे थे बच्चे, ये अभी पता थोड़ी था जी ये हो जाएगा। अब अचानक ये हो गया, अब दो भाई हैं छोटे हैं जी, वो भी अभी यही कमाने वाला था बस। एक जो बड़ा भाई है बड़ा उसका दिमाग नहीं है जो, हाँ जो बड़े वाला है वो मेंटल दिमाग, उसी के सारे पे गाड़ी चल रही थी जी, बलविंदर के सारे पे। अब कैसे होगा देखो जी, बाकी करेंगे पुलिस वाले। बाप है? बाप नहीं है, स्पैरो के थे बाप। हाँ माँ है जी, वो भी दिन दिहाड़ी में मेहनत करती थी, उसके सारे पे गाड़ी चल रही थी घर का। जो छोटे भाई है उनको नहीं पता। हाँ जी, अभी परिवार एक मुश्किल आ गई, बहुत मुश्किल आ गई जी। तो ये है परिजन बलविंदर के, उनका कहना है कि बलविंदर अकेला ही घर को चलाने वाला था और उसकी माँ है अकेली, पिता गुजर गए हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं परिवार के लिए एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी है और दर्दनाक सड़क हादसे में बलविंदर की मौत होगी। वहीं जो उसका साथी है बाइक सवार वो घायल है, उसको निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी जो चालक है गाड़ी का वो फरार है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और जल्दी ही उसकी फरार गाड़ी चालक की गिरफ्तारी की जाएगी और परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। परिवार की मांग है कि जल्दी ही उनको इंसाफ मिले और जो आरोपी फरार चालक है उसको गिरफ्तार किया जाए। मैं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।